शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना दिया जाए तो महिलाओं को झांसी की रानी बनते हुए मतलब आत्मरक्षा उनको इतनी टेक्निक्स बता दी जाती है सेल्फ डिफेंस में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कैसी भी अटैक करे, पकड़े उनको, लॉक करे, तो बुद्धि धर्मन है। कराटे एक्चुअली यही स्टार्ट किए हैं और मेन बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया जैसे एक साल पहले थे, आप कराटे करते करते आपको 3 महीने में रिजल्ट कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अगर इन केस कोई सिचुएशन ऐसी रही तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। 10 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, फिर सर एक्सरसाइजेस करवाते हैं 1 आवर और जैसे भी हो, और फिर 1 आवर प्रैक्टिस कर। सर का हेल्पिंग नेचर है और सर बहुत अच्छे हैं, मीन्स वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत हेल्प होती है। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं 2500 साल पुरानी एक ऐसी कला के बारे में जो कला है आत्मरक्षा की, खेल की, जो आप में से कई लोगों के लिए बिजनेस आइडिया बन सकता है। स्पोर्ट्स एकेडमी के जरिए आप इंडिया को बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स दे सकते हैं। दोस्तों, अनंत काल से महिलाओं को दबाने का प्रयास हमारी ये समाज कर रही है, लेकिन अगर महिलाओं को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दे दिया जाए और अंदर से और बाहर से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना दिया जाए तो महिलाओं को झांसी की रानी बनते हुए देर नहीं लगती है। ऐसा ही नेक काम कर रहे हैं ये सिहान अनूप द्विवेदी जी। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के रीवा शहर में, आइए इनसे मुलाकात आपसे मिलवाते हैं और संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष देते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया जी। थैंक यू। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए भैया जी। मेरा नाम अनूप द्विवेदी है। मैं लास्ट ईयर से यहाँ क्लास चला रहा हूँ, 1 साल हो गया जी। अच्छा, ये क्लास कराटा क्लास खोलने से मतलब आपका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है आपका ये ओपन करने से? देखिए, उद्देश्य ये है कि हम कॉन्फिडेंट हों। जब हमारे ऊपर कुछ इंसिडेंट होता है तो हम वहाँ पे अकेले होते हैं और अकेले आप निपट पाएँ, मेन ये चीज़ है। और लेडीज गर्ल्स जो कहीं जाती हैं असहाय फील करती हैं, डरी हुई रहती हैं, तो उन्हें हम अंदर से भी मेंटली भी स्ट्रांग बना रहे हैं कि डरना नहीं है। और देखिए, हम मेंटली तभी स्ट्रांग बनते हैं जब हमारे अंदर कुछ होता है, हम कॉन्फिडेंट तभी होंगे जब हमारे अंदर कुछ होगा। तो उनको ऐसी कला हम सिखा रहे हैं, यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि वो कॉन्फिडेंट रहें और कहीं पे भी अकेले बेझिझक जा सकते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ आपके पास आना एक विशेष कारण से रहा है। मैंने सुन रखा है कि आप महिलाओं को, फीमेल्स को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, इसका क्या अर्थ? जी बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा, उनको इतनी टेक्निक्स बता दी जाती है सेल्फ डिफेंस में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। कि अगर कोई भी कैसी भी अटैक करे, पकड़े उनको, लॉक करे, तो वो अपने आप को बचा सकती है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने कहाँ से पढ़ाई किया और इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली, आप कराटे क्लास मतलब कराटे लाइन में कब से आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए जी। मैं स्टडी एक्चुअली मेरे पापा जी बाहर रहते थे, स्टडी तो मेरी यहाँ से ही थी पहले, गांव से ही हरदी यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग बड़ी हरदी वहाँ से ही थी, फिर पापा जी बाहर रहते थे तो मेरा रुझान पहले से ही इस टाइप में था। मैं आपको बताऊँ कि बचपन में जब वेकेशन में हमारे सब कजिन भाई लोग इकट्ठा होते थे, मामा के बच्चे लोग, मौसी के बच्चे लोग, तो हम लोग आपस में से लड़ते थे, तो लड़ने में आपको बताऊँ कि उन सबको एक साइड कर देता था मैं, 5-6 जंत्र होते थे और मैं अकेला हो जाता था एक साइड, और फिर उनसे उनके साथ करता था, क्योंकि इधर फेंकता था इधर फेंकता था, तो मेरा पहले से ही इस तरफ रुझान था। तो जब बाहर गया मैं, तो फिर पापा जी से बोला कि मुझे मार्शल आर्ट करना है, तो फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट मेरा चेन्नई से हुआ। मैं मुंबई में भी रह के ट्रेनिंग किया, चेन्नई से फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट हुआ। उसके बाद हो गया, सफ़र जारी रहा, सोचा नहीं था कि मार्शल आर्ट सिखाना है, सोचा था ठीक है ब्लैक बेल्ट हो गया, अब डिफेंस वगैरह में जाके एक जॉब करेंगे। लेकिन फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट करके मैं क्लास स्टार्ट कर दिया सिलवासा में, दादरा नगर हवेली में, तो वहाँ पे क्लास स्टार्ट किया तो फिर रिस्पांस मिलने लगा अच्छा, और टीचिंग में टीचिंग सिखाता था तो अच्छा फील होता था अंदर से। ऐसे ऐसे करके फिर जर्नी धीरे धीरे बढ़ती गई, तो फिर आज यहाँ तक आपके। अच्छा, आप US वगैरह भी जाके ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम श्रीलंका गया था खेलने के लिए, उसके बाद मलेशिया गया मैं खेलने के लिए। मेरी 6 डैन जो ग्रेडिंग होती है इसमें, फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट, सेकेंड डैन ब्लैक बेल्ट, थर्ड डैन, तो 6 डैन ब्लैक बेल्ट मेरा USA से। अच्छा सर, थोड़ा सा ये ब्लैक बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट जो बेल्ट होते हैं, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, आज जब हम कराटे स्टार्ट करते हैं तो वाइट बेल्ट में होते हैं जी। वाइट बेल्ट से कराटे स्टार्ट होता है, उसके बाद येलो बेल्ट आता है, येलो बेल्ट के बाद ऑरेंज बेल्ट आता है, ऑरेंज के बाद ग्रीन, ब्लू, पर्पल,
पर्पल के दो रैंक होते हैं, पर्पल वन पर्पल टू, फिर ब्राउन वन ब्राउन टू ब्राउन थ्री, देन ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट मीन्स मास्टर डिग्री जी। अच्छा, ये आपके एकेडमी में कितने ईयर के बच्चे आ रहे हैं और कितने ईयर के बच्चों को सीखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा गाइड करिए। ट्राई ये करें कि बच्चे फोर ईयर कंप्लीट हो गया तो वहाँ से स्टार्ट करवा दें। रीज़न ये है कि उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है फ्लेक्सिबल होती है, उस टाइम पे करने में इजी रहता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिर बोन टाइट होती जाती है, तो होता सबका है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 26-27 ईयर वाले बच्चे स्टार्ट किए हैं कराटे करना, तो वो भी मेहनत करके स्ट्रेचिंग वगैरह खोल रहे हैं, खुल रही है, लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा लगती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा लोगों की छोटी एज में ही स्टार्ट कराएं कराटे। अच्छा, ये कराटा मतलब सीखने के बाद फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में इनकी जॉब वगैरह में क्या वो मिलता है, कुछ बेनिफिट्स मिलता है क्या उनको? देखिए, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, मैं पढ़ा था कि आपसे सब कुछ चुराया जा सकता है, लेकिन अंदर जो आपके नॉलेज है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप जॉब कोई भी काम करिए, बिजनेस करिए, जॉब करिए, डिफेंस में जाइए, कहीं पे भी जाइए, लेकिन अगर आपको कराटे आता है ना तो आप अलग दिखेंगे, हट के दिखेंगे, आपके फेस में हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो सबके लिए ज़रूरी है। प्लस अगर आप बात कर रहे हैं कि इसका आगे चल के फ्यूचर क्या है, तो अगर लोग ये कराटे करते हैं, ब्लैक बेल्ट करते हैं, तो डिफेंस में आपका मान लीजिए 50% मार्क्स है फिजिकल का। अच्छा जी, क्योंकि जो आपको ट्रेनिंग में कराया जाता है डिफेंस के, वो आपको कराटे ब्लैक बेल्ट होते होते वो आपका सब कंप्लीट हो जाता है। एकेडमी भी खोल सकते हैं बच्चे आगे चल के, बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स कोटा की बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी आती है, जॉब भी आती है स्पोर्ट्स कोटा की, आप खेल सकते हैं, अपना एमपी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मतलब ये सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं क्या? बिल्कुल, हमारा एफिलिएशन है इंटरनेशनल सत्तोकाई कराटे डू यूएसए से ही है, जहाँ से हमारा ब्लैक बेल्ट था जी। तो वहाँ से सर्टिफिकेट, उनको दिल्ली में हमारा मेन ब्रांच है, तो वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह इनके आते हैं। अरे सर, कभी अगर आपके बच्चे या फिर आप डीमोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हैं, कैसे मोटिवेशन बच्चों का बढ़ाते हैं? देखिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेन चीज़ ये है, हम पहले तो मेडिटेशन करते हैं जी। और मोटिवेशन देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो मोटिवेट होने वाली बातें, मोटिवेशन ओनली सुनते हैं जी। है ना, सुने और निकाल दिए जी। जब तक हम कुछ यहाँ पे अमल नहीं करते हैं, जब तक उसका फिल्टर नहीं करते हैं माइंड में कि क्या बताया गया और क्या करना है। देखिए, ज्ञान की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसको धारण, जो धारण करते हैं वही उन्हीं के लिए ज्ञान की बातें होती हैं। बोलने वाले सब बोलते रहते हैं ये करो वो करो, लेकिन मेन चीज़ है धारणा, आप धारण करें, उसको फील करें कि यस एक्साइट करके, तो जाके फिर वो आपके अंदर फिट होता है। सर थोड़ा चलते हैं, बच्चे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्लास आप देख सकते हैं, ये बच्चे यहाँ पास सीखते हैं कराटे। सर इनके बारे में थोड़ा बताइए, कौन है जी? ये बौद्ध धर्मन है, कराटे एक्चुअली यही स्टार्ट किए हैं, और मेन बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया से ही हैं ये। अच्छा, और इंडिया से ही चाइना गए थे, और चाइना में जाके सॉलिन टेम्पल में कराटे कराए। कितने साल पहले ये शुरू कर दिए थे? ये 2500 साल पहले की बात है ये। अच्छा, कि दोस्तों आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित तिवारी। कहाँ से आते हैं आप? मैं बुद्धाबाद से। कब से सीख रहे हैं? एक साल। क्या डिफरेंस आया आपको एक साल से सीख रहे हैं? कुछ डिफरेंस मेन कॉन्फिडेंस में आता है। अच्छा, आप जैसे एक साल पहले थे, आप कराटे करते करते आपको 3 महीने में रिजल्ट अच्छे से दिखेगा, आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा अपनी बॉडी पे कि आप क्या थे क्या हो गए हो। डिफरेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, मेन चीज़ है। अच्छा, तो ये कराटा सीखने के बाद दुरुपयोग तो नहीं करते आप किसी को पीटने में? कराटे में यही सिखाया जाता है कि इसका दुरुपयोग ना हो, सेल्फ डिफेंस है ये। दोस्तों आइए और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित अग्निहोत्री। कहाँ से आते हैं आप? आज़ाद नगर। आइए दोस्तों कुछ गर्ल से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया दीक्षित। कहाँ से आती हैं? विवेकानंद नगर। कब से कराटे ज्वाइन किया आपने? 3 महीने हो गए। अच्छा, तो क्या बेसिक डिफरेंस है, मतलब जो फीमेल्स कराटे नहीं सीख रहे हैं और आप? हमको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अगर इन केस कोई सिचुएशन ऐसी रही तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो अभी आप क्या कर रही हैं, मतलब स्टडी किस क्लास में? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर हो गए, कराटा सीख रही हैं। चलिए आइए दोस्तों, आपका क्या नाम हुआ? आस्था मिश्रा। कब से सीख रही हैं कराटे? अभी मुझे 1 ही महीना हुआ। अच्छा, तो क्या कुछ बेसिक डिफरेंस समझ में आया आपको? हाँ, कॉन्फिडेंस की मेन वो होती है, और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या यहाँ
जब आप यहाँ आ जाती थी, यहाँ की प्रोसेस क्या रहती है, आने के बाद क्या क्या कराया जाता है? सबसे पहले यहाँ पे 10 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, फिर सर एक्सरसाइजेस करवाते हैं 1 आवर और जैसे भी हो, और फिर 1 आवर प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, सर का नेचर कैसा लगा, बाय नेचर सर कैसे हैं, कैसे सिखाते हैं, कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए आप लोगों के लिए क्या करते हैं, ये सब थोड़ा बताइए। सर का हेल्पिंग नेचर है और सर बहुत अच्छे हैं, मीन्स वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत हेल्प होती है। अच्छा, फीमेल्स के लिए आप क्या सजेशन करेंगे कि उनको आके कराटे क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए नहीं? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि वो एक तो आप मेंटली स्ट्रांग होते हो और फिजिकली भी होते हो, जिससे आप हर सिचुएशन को कामली बहुत डील कर सकते हो। दोस्तों, आपको दिखाया बच्चों से बात करके, छोटू आपका क्या नाम हुआ? अर्णव। अर्णव करे। अच्छा, कराटे सीख के किसी को पीटते तो नहीं हो? नो, नो। आप क्या नाम हुआ बेटा? मेरा नाम है नित्या पांडे। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड। Absolutely.